जय गुरुदेव। महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठ ज्योतिष विभाग द्वारा दैनिक वैदिक पंचांग प्रस्तुत करते हैं। आज दिनांक 19 अप्रैल सन 2023 है। महर्षि संवत सर 106 चल रहा है। विक्रम संवत 2080 के अंतर्गत उत्तरायण वसंत ऋतु वैशाख मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 10:47 दिन पर्यंत रहेगी। तत्पश्चात अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी। दिन बुधवार है। आज रेवती नक्षत्र है। 11:42 रात्रि पर्यंत तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ होगा। वैधृति योग है। 3:18 दिन पर्यंत तत्पश्चात विषकुंभ योग प्रारंभ होगा। आज शकुनी करण है। 10:47 दिन पर्यंत तत्पश्चात चतुष्पद करण शुरू होगा। सूर्योदय का समय है 5:39 प्रातः। सूर्यास्त का समय है 6:21 सायं। राहु काल दिन में 12 बजे से प्रारंभ होगा और 1:30 दोपहर तक राहु काल का समय रहेगा। जैसा कि आपको पता है, राहु काल में कोई भी मांगलिक कार्य करने से आपको बचना चाहिए। आज विशेष में श्राद्ध की अमावस्या है। अपने पितरों की शांति के लिए स्नान दान का विशेष महत्व होता है। इसी क्रम में द्वादश राशियों का फल। सर्वप्रथम अपन चर्चा करते हैं मेष राशि। मेष राशि से मंगल की बहुत अच्छी गोचर स्थिति है, जो कि चंद्रमा भी मीन राशि में। मेष राशि का स्वास्थ्य की अनुकूलता, कार्य क्षेत्र में वृद्धि, लेकिन आर्थिक आय की अपेक्षा खर्चे की अधिकता रहेगी। आप कहीं के लिए पैसा रखेंगे और कहीं आपका खर्च हो जाएगा, जिसके कारण थोड़ा सा मानसिक टेंशन भी रहेगा, कार्य क्षेत्र का दबाव भी आपके साथ रहेगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा दिन है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। बहुत एक सुख सुविधा के क्षेत्र में आपका रुझान होगा। सुंदर सुंदर रमणीय स्थानों का भ्रमण होगा और इस समय भूमि भवन से संबंधित कुछ खरीदने का भी शुभ अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। मन में प्रसन्नता रहेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जिनका विवाह संबंध नहीं हुआ है, उनके विवाह के लिए कोई शुभ संकेत प्राप्त होने वाला है। मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध है और बुध इस समय गोचर स्थिति में मेष राशि में गोचर में बहुत अच्छा है। जो कि इनकम हाउस लाभ स्थान में आपके रुके धन की प्राप्ति होगी। यदि आपने किसी को पैसा दिया है, वह आपको वापस होगा, अथवा आपको बैंक आदि से ऋण लोन लेना है तो वह भी आपको प्राप्त होने के संकेत हैं। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए संतान की ओर से अच्छे शुभ समाचार मिलेंगे, उनकी शिक्षा, उनकी उन्नति, उनके विकास के लिए। व्यापार जो कार्य कर रहे हैं, उत्तम व्यापार के अच्छे लाभ के संकेत दिखलाई दे रहे हैं। कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी है और चंद्रमा है और चंद्रमा इस समय मीन राशि में विराजमान है। निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। भाग्य स्थान का चंद्रमा आपको ध्यान, साधना, पूजा पाठ इत्यादि के लिए बहुत अच्छा है। सुंदर और रमणीय स्थानों की यात्रा कराएगा। मन में प्रसन्नता रहेगी। इस समय कुछ नया कार्य करने का विचार बनाएंगे, उसमें सफलता के संकेत भी दिखलाई दे रहे हैं। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि को छोड़कर के स्वास्थ्य में जरूर कुछ प्रतिकूलता रहेगी। सर्दी, जुखाम, खांसी अथवा उदर विकार, सिर दर्द आदि की समस्या स्वास्थ्य में रहेगी। अपने दिनचर्या पर विशेष ध्यान रखें। आर्थिक दृष्टि से समय अच्छा है और धन का लाभ होगा। कार्य में वृद्धि होगी, व्यवसाय में वृद्धि होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी है वो भी बुध है और बुध की स्थिति अष्टम में है। निश्चित रूप से कन्या राशि वाले व्यक्तियों को इस समय सोच समझ के कार्य करना चाहिए। कुछ नुकसान हो सकता है,
धन का फालतू व्यय हो सकता है। सही सदुपयोग ना होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में नौकरी छूट सकती है, दबाव रह सकता है। इसलिए किसी से विवाद इत्यादि करने से बचें और कोई भी कार्य क्षेत्र में बदलाव बिल्कुल ना करें। तुला राशि, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए मिला जुला रहेगा, जहां स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव, आर्थिक लाभ मध्य और मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल है, स्वास्थ्य की अनुकूलता होगी, आर्थिक लाभ होगा, मन में प्रसन्नता होगी, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। धनुराशि, धनुराशि वाले व्यक्तियों के लिए भी समय उत्तम है, स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, आर्थिक दृष्टि से अच्छा समय रहेगा, अर्थ का लाभ होगा, नए नए संबंध बनेंगे, दूरस्थ स्थानों की भ्रमण यात्राएं होंगी, पुराने मित्रों से मिलन होगा और कार्य क्षेत्र में वृद्धि भी होगी। मकर राशि, मकर राशि वाले व्यक्तियों को मिला जुला फल रहेगा, कार्य क्षेत्र धीमा हो रहेगा, लेकिन जीवन साथी संतान का सहयोग आपके लिए उत्तम रहेगा। थोड़ा आपको संधि बात, घुटनों में, हाथों में, कमर में दर्द की समस्या रह सकती है, स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के भी स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वैसे आर्थिक दृष्टि से समय अच्छा रहने वाला है। मीन राशि, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए मिला जुला समय रहेगा, परिवार मित्रजनों का सहयोग प्राप्त होगा, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होगा और जल्दबाजी के कारण आर्थिक नुकसान परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यह रहा द्वादश राशियों का फल। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।